जेई मेन 2019 में एरोमेटिक के टॉपिक का एक क्वेश्चन है, ये बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एट बेंजाइलिक कार्बन पर बेस्ड है। क्या कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, रिएक्शन क्या है, बेंजीन के ऊपर ऊपर CH3 लगाया और पैरा पोर्शन पे Cl, तो ये है पैरा क्लोरोटोलुइन। इसको पहले इन्होंने क्लोरिनेशन करवाया यूवी लाइट की प्रेजेंस में, और बाद में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, बाद में वाटर से हीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा। आप देखें जरा, मान लीजिए कि हमारे पास जो उन्होंने दिया उसके हिसाब से हमारे पास एक एलिफैटिक कार्बन है जो सैचुरेटेड पोर्शन है, एक एरोमेटिक कार्बनों का ये 6 मेंबर्ड रिंग है जो अनसैचुरेटेड पोर्शन है। अगर आपने क्लोरिनेशन करवाया यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो आपको पता है कि इसमें से सीएल फ्री रेडिकल निकलता है, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यही एलिफैटिक सिस्टम पर ही हो सकता है, सैचुरेटेड सेंटर पर। तो यहां पर क्लोरिनेशन होगा बारी बारी से, ठीक है ना। और अगर आपने इसको स्टॉप नहीं किया तो पहले तो ये CH2Cl बनवाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये रिएक्शन यहां पर नहीं रुकेगी और ये फिर बनाएगा CHCl2 एंड द रिएक्शन विल नॉट स्टॉप हियर ऑल्सो एंड फाइनली इट विल स्टॉप एट दिस पोजिशन CCl3। अभी CCl3 को इन्होंने कहा कि मैं इसको H2O से ट्रीट करूंगा। H2O के साथ अगर आप हीट करते हैं तो देखो, किसी कार्बन के ऊपर हैलोजन लगा हो और आप H2O से ट्रीट करें, और वो भी ऐसा कार्बन, सॉरी ये क्लोरो तो रहेंगे इसे, और वो भी ऐसा कार्बन जो बेंजाइलिक कार्बन है, तो यहां कार्बोकैटायन आसानी से बनेगा, तो रिएक्शन SN1 होगी। SN2 भी रिएक्शन इस पे फेवर्ड है, बेंजाइलिक कार्बन पे SN1 भी फेवर्ड है और SN2 भी फेवर्ड है, लेकिन क्योंकि हमारा न्यूक्लियोफाइल वीक है इसलिए SN1 रिएक्शन होगी, और तीनों ही क्लोरो बारी बारी से SN1 के थ्रू रिप्लेस होकर ऐसे बनाएंगे OH, OH और OH। किसी कार्बन पर क्लोरो या हेलोजन वो स्टेबल नहीं रह सकता अगर एक न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है, तो जरूर रिएक्शन SN1 या SN2 के साथ जाएगी। और अगर आपने एक ही कार्बन पे तीन H2O लगाए हैं, तीन OH लगवाए हैं, तो एक H2O इसमें से जरूर निकल जाएगा। सो आफ्टर रिमूवल ऑफ H2O व्हाट यू गेट इज दिस COOH एंड क्लोरो एट पैरा पोजिशन इज एज इट इज, ठीक है। तो एक्चुअली ये रिएक्शन क्या है, सिस्टम तो एरोमेटिक है लेकिन यहां पर बेंजाइलिक कार्बन है, ये कार्बन सैचुरेटेड कार्बन है और सैचुरेटेड कार्बन पर ही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ये सीएल फ्री रेडिकल यहां पर फ्री रेडिकल बना के कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेगा और बारी बारी से तीन सीएल यहां जुड़ जाएंगे। और कार्बन पे क्लोरीन है और H2O ले ले या OH- ले ले, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले ले, तो वो जरूर उससे रिप्लेस हो जाएगा SN1 से या SN2 से, ठीक है। यहां पर SN1 रिएक्शन हो रही है हालांकि, और एक ही कार्बन पर तीन OH अनस्टेबल होते हैं जो H2O निकालकर फाइनली ये प्रोडक्ट बनाएंगे COOH। दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हुआ ऑप्शन C इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, नोट करें आप जरा।